बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने DAE की मैथ स्टार्ट की हुई है, मैथ 113, और उसका चैप्टर नंबर बच्चों हमने 5 स्टार्ट किया हुआ है, और उसकी एक्सरसाइज 5.1 हमने स्टार्ट की हुई है, और उसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 से हमने आगे स्टार्ट करने हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आपको ये फार्मूले का पता होना चाहिए। एल इज इक्वल टू होता है आर थीटा। एल से मराद होते हैं कोस की लंबाई, आर से मराद होता है रेडियस, इस थीटे से मराद होता है एंगल, जाविया। और अगर हमें ये एक फार्मूला याद रखेंगे, इस फार्मूले के ज़रिए हम दो फार्मूले और बना लेंगे। तो आर इस तरफ मल्टीप्लाई, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। इसी तरह अब थीटा इस तरफ मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो बच्चों, ये हमारे पास ये 3 फार्मूले हैं। इन फार्मूलों को इस्तेमाल करते हुए नेक्स्ट हमने क्वेश्चन हल करने हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4। तो बच्चों, ये भारतीय क्वेश्चन है, सिर्फ मैं भारत को आप लोगों को समझाऊँगा। भारत, हो फायर ऑफ पार्ट ऑफ 2 सिटी ऑफ इक्वेटर हुज लॉन्गट्यूड्स आर 10 डिग्री एंड 50 डिग्री, रेडियस ऑफ अर्थ इज, हमें दे दिया 6400 किलोमीटर। तो बच्चों, मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ये मैंने क्या बनाना है, इक्वेटर बनाना है। ये होता है इक्वेटर, और इक्वेटर के दरमियान इस तरह एक लाइन लिखनी होती है। तो बच्चों, ये क्या कहलाता है, लॉन्ग इक्वेटर, लॉन्गट्यूड्स इक्वेटर, लॉन्गट्यूड इक्वेटर बनाया। एक मैंने ये सेंटर पॉइंट ले लिया, एक मैंने ये सिटी कनेक्ट करवा दी, और इसका नाम मैंने क्या रख दिया, ए। और एक सिटी मैंने ये कनेक्ट करवा दी, और इसका नाम मैंने क्या रख दिया, बी। और एक सिटी के दरमियान हमारे पास 10 डिग्री का जाविया है, और दूसरी सिटी के दरमियान हमारे पास 50 डिग्री का जाविया है, और इस ज़मीन का जो सा रेडियस है वो हमारे पास है 6400 किलोमीटर है। तो हमने मालूम क्या करना है, ए और बी सिटी के दरमियान हमने ये वाला फासला एल मालूम करना है। ये क्वेश्चन पूछा है उसने हमें। तो बच्चों, मैं आप लोगों को दोबारा रिपीट करवा दूं, तो बच्चों आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। ये जो सा हमने होप बनाया, इसको इक्वेटर, इक्वेटर लॉन्ग ट्यूड्स कहते हैं, इक्वेटर लॉन्ग ट्यूड्स बनाया। और एक सिटी मैंने ये ए का नाम दे दिया, दूसरी सिटी का मैंने बी का नाम दे दिया। पहली सिटी के दरमियान 10 डिग्री का जाविया है, दूसरी सिटी के दरमियान 50 डिग्री का जाविया है, और ज़मीन का जो सा हमारे पास रेडियस है वो हमारे पास है 6400 किलोमीटर। और हमने ए और बी सिटी के दरमियान ये वाला डिस्टेंस मालूम करना है, और इसको हमने एल से ज़ाहर कर दिया। तो बच्चों, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों, हमें ज़मीन का जो सा रेडियस दिया वो हमारे पास है 6400 किलोमीटर, और हमें, और ये हमने टोटल एंगल हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, टोटल एंगल। तो बच्चों, हम क्या निकालेंगे, टोटल टोटल एंगल निकालेंगे। टोटल एंगल हमारे पास, इसको थीटे के बराबर रख लेंगे, ये हमारे पास क्या है, 10 डिग्री प्लस 50 डिग्री। और हमने मालूम क्या करना है, इन दो सिटी के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है, और उसको हमने एल से ज़ाहर कर दिया, उसको हमने एल से ज़ाहर कर दिया, हमने ये मालूम करना है। तो बच्चों, थीटा हमारे पास 10 डिग्री और 50 डिग्री करेंगे तो ये 60 डिग्री आ गया, कितना आ गया, 60 डिग्री। और अब ये थीटा किसके अंदर है, डिग्री के अंदर है, हमने इसको किस में तब्दील करवाना है, रेडियन के अंदर। तो जब भी डिग्री को रेडियन के अंदर तब्दील करवाएंगे, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, पाई ओवर 180 के साथ। तो ये ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ कैंसिल हो गया, 6 कम 6 6 3 18, तो हमारे पास थीटे की वैल्यू आ गई पाई ओवर 3। और हमें ये भी पता है पाई की कीमत होती है 3.14, और तकसीम करवाएंगे 3 के साथ, कैलकुलेटर के ज़रिए हल कर लेंगे बच्चों हम, 3.14 तकसीम करवाएंगे 3, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा थीटे का 1.05। तो बच्चों, हमने क्या मालूम करना है, L, तो L इज इक्वल टू होता है
आर थीटा। एल का फार्मूला क्या है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो आर की वैल्यू हमारे पास है 6400 और थीटे की वैल्यू हमारे पास 1.05। तो बच्चों इसको ज़रब करवा देंगे 6400 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एल इज इक्वल टू 6698.67 आ गया, और साथ क्या लिखेंगे किलोमीटर। तो बच्चों ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ये था क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, उसने हमें दे दिया एक स्पेस मैन लैंड ऑन द मून ऑब्जर्व डैट ऑफ द अर्थ डायामीटर सबटेंड एंड द एंगल 1°54' हिज प्लेस लैंडिंग ऑफ अर्थ रेडियस 6400 किलोमीटर। फाइंड करें डिस्टेंस अर्थ एंड मून, अर्थ और मून के दरमियान हमने क्या मालूम करना है डिस्टेंस। बच्चों आपने क्वेश्चन को समझना है, ये मैंने क्या बनाया मून और इसको मैंने एम से जाहिर करवा दिया, और ये मैंने क्या बनाई है अर्थ और इसको मैंने ई से जाहिर करवा दिया। जब वो आदमी मून के ऊपर यहाँ पर खड़ा है, जब वो मून से, जब वो अपनी आँख के साथ मून से ज़मीन की तरफ देखता है तो एक लाइन ये बनती है, जब वो मून से, एक आदमी मून से ज़मीन की दूसरी तरफ देखता है तो ये लाइन बनती है। और हमें मालूम क्या करना है, मून और अर्थ के बटवीन हमने, मून और अर्थ, मून से मराद है चांद और ई से मराद होती अर्थ, अर्थ का मतलब क्या है ज़मीन। चांद और ज़मीन के दरमियान हमने क्या मालूम करना है फासला, उसको हमने आर से ज़ाहिर करवा दिया। और मून, मून और अर्थ के दरमियान जो उनका एंगल बनता है वो हमारे पास क्या, 1°54' है। तो बच्चों हमें इस ज़मीन का उसने रेडियस दे दिया, वो कितना हमारे पास 6400 किलोमीटर। तो ज़ाहरी बात है हमें ये लेंथ चाहिए, तो ये लेंथ हमें मालूम करनी पड़ेगी, टोटल टोटल ज़मीन का हमें रेडियस डायामीटर मालूम करना पड़ेगा, वो हमारे पास L के बराबर होगा। दोबारा फिर मैं रिपीट करवाता हूँ क्वेश्चन को। बच्चों ये मैंने मून बनाया, ये मैंने अर्थ बनाई, तो मैं जब मून पे, एक आदमी मून पे खड़ा है, मून पे खड़ा होकर ज़मीन की तरफ देखता तो एक ये वाली लेंथ बनती है, और जब मून पे खड़ा होकर ज़मीन की दूसरी तरफ देखता तो एक लाइन ये बनती है हमारे पास। तो हमें मालूम क्या करना है, मून और अर्थ के दरमियान हमने फासला मालूम करना है, और ज़मीन, मून और अर्थ के दरमियान जो उनका एंगल बनता है हमारे पास वो 1°54' है, और हमें ज़मीन का रेडियस दे दिया, इस ज़मीन का, ये इस पॉइंट तक का हमें रेडियस दे दिया बच्चों उसने। तो बच्चों हमें क्या मालूम करना है, आर हमने मालूम करना है। तो मैं यहाँ पर लिख भी दूंगा अर्थ एंड मून डिस्टेंस, अर्थ और मून के दरमियान हमने क्या मालूम करना है डिस्टेंस, उसको हमने किससे जाहिर करवा दिया आर के साथ, ये हमने मालूम करना है। और हमें थीटे की वैल्यू क्या दे दी उसने, 1°54', और हमें ज़मीन का रेडियस दे दिया, अर्थ ऑफ, रेडियस ऑफ अर्थ दे दिया। तो बच्चों हमें तो मालूम करना है टोटल डायामीटर, ज़मीन का अर्थ ऑफ डायामीटर मालूम करना है हमने, क्या मालूम करना है अर्थ ऑफ डायामीटर, वो हमारा एल के बराबर है। तो वो, क्योंकि हमने डायामीटर, अर्थ ऑफ डायामीटर मालूम करना है, अर्थ ऑफ डायामीटर का फार्मूला होता है 2R, अर्थ ऑफ डायामीटर, इस डायामीटर, टोटल डायामीटर मालूम करेंगे।
तो टोटल अर्थ ऑफ डायामीटर का फार्मूला होता है एल इज इक्वल टू एल, और हमने इस लेंथ को एल से जाहिर किया और ये टू आर के बराबर है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, टू आर है क्योंकि आर की वैल्यू हमें, ज़मीन आर की वैल्यू हमें दी हुई है उसने 6400 किलोमीटर, हमें टू आर निकालना है एल की वैल्यू, एल की एल इज इक्वल टू टू आर है तो एल इज इक्वल टू टू, इसी तरह आगे आर की वैल्यू हमारे पास 6400 आ गई और ये एल इज इक्वल टू ये 00 और 64 को टू, 4 दुनी 8 हो गया, 6 दुनी 12 हो गया, हमारे पास 12800 किलोमीटर आ गया एल हमारे पास। तो बच्चों हमने पहले ठीते को किस में चेंज करवाना है, रेडियन के अंदर। तो जब भी ठीते को रेडियन के अंदर चेंज करवाएंगे इसको मल्टीप्लाई, ये 1 डिग्री 54 मिनट है, पहले इस मिनट को पहले डिग्री के अंदर तब्दील करवाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 54 तकसीम करवा देंगे 60 के साथ, ऊपर होल की डिग्री लिख देंगे। तो थीटा इज इक्वल टू, तो बच्चों कैलकुलेटर के ज़रिए हल करेंगे इसे, 1 प्लस 54 तकसीम करवाएंगे 60, तो हमारे पास आ जाएगा 1.90 ऊपर होल की डिग्री। अब हमने डिग्री को किस में तब्दील करवाना है, रेडियन के अंदर, डिग्री को रेडियन के अंदर तब्दील करवाना है, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे पाई ओवर 180 के साथ। तो थीटा मसावी 1.90 मल्टीप्लाई पाई की कीमत होती है 3.14 और तकसीम में आ गया 180। तो बच्चों हम इसको ज़रब करवाएंगे 3.14, तकसीम करवाएंगे 180, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ठीते का 0.03, 0.03। अब बच्चों हम फार्मूला लगा देंगे, हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है आर, आर का फार्मूला होता है एल इज इक्वल टू एल ओवर ठीता आर। इसी तरह एल की वैल्यू हमारे पास है 12800 और ठीते की वैल्यू हमारे पास 0.03, तो आर की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों 12800 तकसीम करवाएंगे 0.03 के साथ, तो हमारे पास आंसर बनेगा 42.66.67। और ये हमारे पास क्या आ गया, मून और चांद के दरमियान, मून और अर्थ के दरमियान ये वाला फासला है हमारे पास। तो बच्चों फिर मैं दोबारा रिपीट करवाता हूँ इसी क्वेश्चन को ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बच्चों ये मैंने एक मून बनाया, ये मैंने एक अर्थ बनाई, मून पे मैं खड़ा हूँ, मून पे खड़ा होकर मैं जब ज़मीन की तरफ देखता हूँ तो एक लाइन ये बनेगी, जब मैं मून पे खड़ा होकर ज़मीन की तरफ देखता हूँ तो एक लाइन ये बनेगी। तो हमें मालूम क्या करना है, मून और अर्थ के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना, और मैंने इसको ज़ाहर करवा दिया आर के साथ, और मून और अर्थ के दरमियान जो सा हमारा एंगल बनेगा वो बनता है हमारे पास 1 डिग्री 54 मिनट, और हमें इस ज़मीन का यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें रेडियस दे दिया 6400 किलोमीटर। तो क्योंकि हमें ये टोटल लेंथ चाहिए तो हम क्या निकालेंगे, अर्थ अर्थ ऑफ डायामीटर, और ये एल से ज़ाहर करवा देंगे, और ये टू आर होता है अर्थ ऑफ डायामीटर का फार्मूला, टू आर है, आर की वैल्यू मैंने दर्ज करवाई तो मेरे पास एल की वैल्यू आ गई। तो ठीते को क्योंकि ये पहले मेरे पास था मिनट के अंदर, इसको डिग्री में चेंज करना 60 के साथ तकसीम करवा दिया, और इसके डिग्री में चेंज हो गया, जब डिग्री को रेडियन के अंदर तब्दील करवाएंगे इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे पाई ओवर 180 के साथ, पाई की कीमत 3.14, तो ये मेरे पास ठीते की वैल्यू आ गई 0.03। अब बच्चों आर मालूम करना, एल ओवर ठीते का फार्मूला लगा दिया तो ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया, और ये मेरे पास एग्जैक्ट जवाब है, ये बिल्कुल दुरुस्त आंसर है। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी इन क्वेश्चनों की। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, दी सन इज अबाउट 1.496 × 10⁸ किलोमीटर अवे फ्रॉम दी अर्थ इफ़ दी सबटेंड बाय द सन ऑफ द सरफस
ऑफ द अर्थ इज 9.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 3 रेडियन अप्रोक्सीमेटली। व्हाट इज द डायामीटर ऑफ सन, हमने सन का क्या मालूम करना है, डायामीटर। बच्चों डायग्राम से आपने समझना है। बच्चों ये क्या, मेरे पास एक अर्थ है और इसको मैंने जाहिर करवाना है ई के साथ, क्योंकि अर्थ को, ये अर्थ है और ये मेरे पास एक सन है। क्या मेरे पास ये एक सन है। जब मैं ज़मीन पे खड़ा होकर सन की तरफ देखूंगा तो एक मेरे पास ये लाइन बनेगी, जब मैं ज़मीन पे खड़ा होकर सूरज की तरफ देखूंगा तो एक लाइन ये बनेगी, और ये हमारे पास इन दोनों के दरमियान में जो सा हमारे पास एंगल है, और ई से लेकर, बच्चों ये मेरे पास क्या है, सन। ज़मीन से सन का जो सा फासला, उसको आर से ज़ाहर करना है हमने। तो बच्चों हमारे पास सन और अर्थ के दरमियान जो सा फासला हमारे पास, उसको हमने आर से ज़ाहर कर दिया। आर हमारे पास है 1.496, और इनके दरमियान, ज़मीन और सन के दरमियान जो सा एंगल है हमारे पास थीटा, वो हमें दे दिया उसने 9.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 है और यहाँ पर 10 की पावर माइनस 3 है। हमें मालूम क्या करना है, व्हाट इज द डायामीटर ऑफ सन। तो बच्चों हमने डायामीटर मालूम करना है सन का, ये वाला डायामीटर होता है सन का, ये हमने डायामीटर मालूम करना है सन का। इसका मतलब क्या, हमने एल मालूम करना है। तो बच्चों हम यहाँ पर लिख भी देंगे, हमने मालूम क्या करना है, सन ऑफ डायामीटर, और इसको हमने किससे जाहिर करवाया, एल के साथ। ये हमने क्या करना है मालूम, और सन का जो सर ज़मीन और सन के दरमियान जो सा रेडियस है, हमें आर दे दिया, वो हमारे पास है 1.496 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, और इसी तरह हमें, और ज़मीन और सन के दरमियान जो सा एंगल बनता है, वो हमें दे दिया 9.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 3। बच्चों मैं आप लोगों को फिर दोबारा कंसेप्ट समझाने लगा हूँ डायग्राम के ज़रिए। ये मेरे पास अर्थ है, ये मेरे पास सन है। जब मैं ज़मीन पे खड़ा हूँ तो मैं सूरज की तरफ देखता हूँ तो एक लाइन ये बनेगी, जब मैं ज़मीन से सूरज की तरफ देखूँगा तो एक लाइन मेरे पास ये बनेगी, और ज़मीन से सन के दरमियान जो सा फासला है, उसको हमने आर से ज़ाहर करवा दिया, और ज़मीन और सन के दरमियान जो सा एंगल बनता है, वो 9.3 है मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 3, और हमने ये सन का क्या मालूम करना है, डायामीटर। सन का क्या मालूम करना है, डायामीटर, और इसको हमने एल से ज़ाहर करवा दिया। तो बच्चों हमने एल मालूम करना है, तो एल के लिए फार्मूला लगाना होता है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। एल इसी तरह आ गया, आर की वैल्यू हमारे पास है 1.496 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, और इसी तरह थीटे की वैल्यू हमारे पास 9.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 3, तो एल मसावी। अब क्या करेंगे, सादा रकम को ज़रब करवा देंगे कैलकुलेटर के ज़रिए। तो बच्चों ये आप लोगों के पास आएगा 1.496 ज़रबे हमारे पास आ गया 9.3, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13.91। तो बच्चों मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 3, बेस अगर सेम है तो पावरें ज़रब के अंदर क्या हो जाती हैं, जमा। बेस सेम है, ज़रब के अंदर पावरें जमा कर देंगे, तो बच्चे मेरे पास 13.91 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 माइनस हो जाएगी 3। तो बच्चों क्योंकि हमने पावरें क्या करवानी है, जमा, तो ये जमा माइनस 3, तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। तो बच्चों एल मसावी 13.91 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 आ, प्लस का 8 माइनस का 3, तो प्लस का 5 आ गया। तो बच्चों ये आंसर भी लिखेंगे फिर भी ठीक है आप लोगों का। अगर आपने बुक वाला निकालना है तो एक इस पॉइंट को एक हिस्सा मूव करवा देंगे, दायां हाथ है दाएं से बाएं की जानब करवाएंगे, तो ये 1.391 मल्टीप्लाई लिखेंगे 10 की पावर 1,
तो बच्चों मैंने दाएं से बाएं की जानब पॉइंट को मूव करवाया, तो वहां पर हमने 10 की पावर पॉजिटिव में लिखनी, एक हिंसा मूव करवाया ना तो 10 की पावर 1 लिख देंगे, और साथ आ गया 10 की पावर 5, तो एल मसावी 1.391 मल्टीप्लाई बेस सेम है तो पावरें जमा होगी, 5 + 1 करवाएंगे 6 आ गई, तो साथ क्या लिख देंगे किलोमीटर। तो ये क्या आ गया हमारे पास फाइनल आंसर, ये था क्वेश्चन नंबर 6। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों हमारे पास, तो बच्चों डायग्राम से क्वेश्चन सही तरह वजाहत होती है। तो बच्चों एक एक हाउस मूव इन द सर्कल एट वन एंड ऑफ द रूप 27 सेंटीमीटर लॉन्ग, अदर एंड बिग फिक्स, हो फाई डज द होर हाउस मूव वैन द रूप ट्रैक एंड द एंगल ऑफ 70 डिग्री। तो बच्चों ये मैंने क्या बनाया होप, ये क्या मेरे पास होप भी एक सर्कल नुमा ही होता है, और इस सर्कल नुमा का होप का जो सा एक हाउस मैंने लटका दिया और इसका नाम मैंने क्या रख दिया ए, और इस हाउस का जो सा रेडियस है, इस रूप का जो सा होप का जो सा रेडियस है वो हमें दे दिया 27 सेंटीमीटर। होप का हमें रोप का हमें जो सा रोप रोप का बच्चों हमें रोप को हमने आर से जार करवा दिया, उस रोप का हमें रेडियस दे दिया 27 सेंटीमीटर, और ये हमने एक हाउस लटका दिया। ए से मराद क्या है हाउस। जब इस हाउस को मैं यहाँ तक मूव करवाऊंगा इस हिस्से तक बी पॉइंट तक, तो इसके दरमियान जो सा एंगल बनता है हमारे पास वो कितना हमारे पास वो हमें एंगल दे दिया उसने थीटा इज इक्वल टू 70 डिग्री। 70 डिग्री तो हमने क्या, और जब इस होप और इस हाउस को मैंने जब मूव करवाया तो उसके दरमियान जो उनका एंगल बन गया वो 70 डिग्री है, 70 डिग्री दे दिया। हमें मालूम क्या करना है, इस हाउस ए से लेकर बी तक इस हाउस का हमने क्या मालूम करना है फासला, और इसको हमने एल से जाहिर करवा दिया। तो बच्चों ये मैंने होप बनाया, होप के साथ मैंने एक ये हाउस लटका दिया, इस हाउस का जो सा रेडियस है इस रस्सी का जो सा रेडियस है वो हमारे पास 27 सेंटीमीटर, और इसके दरमियान जो सा एंगल बनता है वो 70 डिग्री है। जब ये हाउस जब ये मूव करेगा और इस मूव के दरमियान जो सा हमने डिस्टेंस मालूम करना है, बच्चों क्या मालूम करना है डिस्टेंस, तो बच्चों हमारे पास आर की वैल्यू दे दी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, आर की वैल्यू हमें दे दी 27 सेंटीमीटर, और थीटा की वैल्यू दे दी हमें 70 डिग्री, और हमने एल मालूम करना है। तो बच्चों क्या करेंगे, पहले इस डिग्री को किस में चेंज करेंगे, रेडियन के अंदर। तो बच्चों जब भी डिग्री को रेडियन के अंदर तब्दील करवाते हैं इसको मल्टीप्लाई करवाना होता है पाई ओवर 180 के साथ थीटा, इसी तरह 70 डिग्री पाई की कीमत 3.14 और तकसीम करवाएंगे 180 के साथ, तो बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों 70 ज़रब करवाएंगे 3.14 तकसीम करवाएंगे 180 के साथ, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.22। तो बच्चों अब हमने इस होरस ने जितना मूव किया ना उस मूव करने का हमने डिस्टेंस मालूम करना है, इस होरस का मूव किया हुआ डिस्टेंस मालूम करना है। तो बच्चों क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे एल मालूम करना, एल इज इक्वल टू होता है आर थीटा, एल इसी तरह आ गया, आर की वैल्यू हमारे पास 27 है और थीटे की वैल्यू हमारे पास 1.22 है, तो एल मसावी अब इसको ज़रब करवा देंगे, ज़रब करवाएंगे 27 के साथ, तो हमारा आंसर आ जाएगा 32.97। अगर मैं इस वैल्यू को प्रोक्सीमेटली लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा 33 किलोमीटर, क्योंकि ये 22.97 है, तो इस हिस्से को जब ख़त्म करेंगे इसमें एक ऐड करवाएंगे तो ये 33 बन जाएगा।
तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अगर किसी भी स्टूडेंट को मैथ 113 के अंदर मसला बनता है, इसी वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, आप व्हाट्सअप नंबर के ज़रिए रابطہ करके इस मैथ के मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। और बच्चों अगर आपको ये वाइट बोर्ड साफ नज़र नहीं आता, 360 पे वीडियो देखें या 720 पे वीडियो देखें, और इस अपने मोबाइल को हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको वाइट बोर्ड पे लिखा हुई हर चीज़ वाजिया नज़र आए। तो अगर किसी भी अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफिज़। दो में ज़रूर याद रखना।